बिल्कुल, और इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल सम्मान भारतीय मूल के अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और उनके दो सहयोगी अर्थशास्त्रियों को मिला है। और खास बात यह है कि इनमें से एक उनकी पत्नी एस्थर डफलो भी हैं। अमृत सेन के बाद अभिजीत बनर्जी दूसरे भारतीय हैं जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला है। सोमवार दोपहर बाद अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डफलो और मिखाइल क्रेमर को अर्थशास्त्र का नोबेल मिलने की खबर आते ही कोलकाता के एक घर का माहौल बदल गया। अभिजीत की माँ निर्मला बनर्जी अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद खुश दिखी। ये दोनों को एक साथ मिला है, ये मुझे बहुत खुशी हो गई है। क्योंकि वो दोनों एक साथ काम करते हैं, एक साथ लिखते हैं, तो उन्हें दोनों को एक साथ मिलना ही अच्छा था, वो हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। फिलहाल मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहे अभिजीत बनर्जी की पैदाइश और पढ़ाई लिखाई भारत की ही है। उनके माँ पिता भी अर्थशास्त्र के ही प्राध्यापक रहे। Policy based on evidence and hard thinking to many other places as well. If policy has improved, largely it's not because of us, to be honest. But I think that entire movement that Abhijit talked about has played a small role in it, in that it has, I think, raised the possibility and the hope that one could be a little bit more rigorous about what policies and what type of things can really help the poor. उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया, JNU से मास्टर्स किया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से PhD की और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाया। अभिजीत और उनकी पत्नी को अपने तीसरे सहयोगी क्रेमर के साथ ये नोबेल गरीबी हटाने के योजनाओं को लेकर किए गए उनके शोध के लिए मिला है। वो JNU में रहते हुए छात्र आंदोलन से भी जुड़े रहे और उन्होंने VC को घेरने के लिए 10 दिन तिहाड़ में भी काटे। भारतीय माहौल पर वो दो टूक टिप्पणियां करते रहे हैं।